अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर ग्रेड टू मैथमेटिक्स कोर्स एंड आई एम योर टीचर मिस मैविश। एज यू नो वी वर ऑन द टॉपिक ऑफ टाइम, हमने अपना टाइम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इन आर प्रीवियस क्लासेस वी लर्न द डिफरेंट टॉपिक्स ऑन डिफरेंट सब टॉपिक्स ऑफ टाइम, लाइक कि टाइम होता है क्या है, टाइम्स में क्या कौन कौन सी निडल होती हैं, व्हाट इज़ एन आर एंड व्हाट इज़ अ मिनट एंड, मिनट एंड क्या होती है, आर एंड क्या होती है, कितने फेसेस होते हैं, ठीक है, मिनट्स की जो छोटी छोटी सी लाइंस होती हैं क्लॉक्स के अंदर वो क्या होती हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने कि पास्ट आर क्या होता है, नेक्स्ट टू आर क्या होता है, मतलब कितने बज के कितने हो गए, कितने मिनट बाकी हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम जो है टाइम के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इट इज़ ए एम एंड पी एम। बेसिकली ये आपकी पेज नंबर 113 पे भी मौजूद है, ठीक है टाइम, लेकिन ये मैंने इसको अलग से आपने ड्रॉ भी करना है इसी के तरीके से। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपने ए एम एंड पी एम की हेडिंग दे देनी है। व्हाट इज़ ए एम एंड पी एम, ये भी बताते हैं। इससे पहले आपने एक पॉइंट है, वन डे इज़ इक्वल टू 24 आवर, हमें पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, ठीक है। ए एम क्या होता है, ए एम फॉर नून पीरियड, ठीक है। ए एम की हेडिंग देंगे हम, लिखेंगे फॉर नून पीरियड, फॉर नून, नून मतलब दोपहर, फॉर पहले, दोपहर से पहले वाला जो पीरियड होता है ना वो सारा ए एम कहलाया जाता है। दोपहर से पहले का पीरियड क्या होगा, 12 बजे से पहले, 12 बजे दोपहर स्टार्ट हो जाती है ना, दिन के जो 12 बजते हैं तो दोपहर स्टार्ट हो जाती है, तो 12 बजे से पहले जितना भी वक्त होता है वो क्या कहलाया जाता है, फॉरनून पीरियड। उसमें 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे या 3 बजे, ठीक है, वो सारे क्या कहले जाएंगे, ए एम, उनके साथ हम क्या लिखते हैं, ए एम, फॉरनून पीरियड, यानी फर्स्ट 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक। जो आपको ये बताया था ना कि ये जो क्लॉक है वो दिन में 2 मरतबा घूमती है, ठीक है, आर एंड उसके जो है दिन में 2 राउंड देते हैं, एक राउंड लेता है दिन के वक्त, एक राउंड लेता है रात के वक्त, ठीक है। तो जो फर्स्ट 12 आवर्स लेता है ना तो वो जो है ए एम कहलाए जाते हैं, फर्स्ट 12 आवर्स ऑफ द डे क्या कहलाए जाते हैं, ए एम। फर्स्ट 12 आवर्स कौन से, फ्रॉम 12 o'clock midnight टू 12 o'clock नून, यानी 12 बजे से लेकर, रात के 12 बजे से लेकर, ठीक है, 12 बजे के बाद से लेकर दिन के 12 बजे तक, ये जो अंदर वाला मेंशन, ये यहाँ से जो येलो पोर्शन है ना, ये दिन के 12 बजे से लेके, सॉरी, रात के 12 बजे से लेके ये वाले येलो को दिन के 12 बजे तक, यानी ये जो येलो कलर की है सूरज की रोशनी से, एक तरह से मैं बताया गया, ठीक है, तो रोशनी हो रही है, तो रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक जो है जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाया जाता है, ए एम। रात के 12 बजे से यानी दिन का आगाज़ हो गया, फर्स्ट 12 आवर्स जो है ना वो रात के 12 बजे से शुरू होते हैं, क्लॉक का जो फर्स्ट 12 आवर्स होते हैं वो रात, क्लॉक की जो स्टार्टिंग टाइमिंग होती है वो रात के 12 बजे से के बाद से होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट 12 आवर हैं, ये वाले 6 और ये वाले 6, 12 हो गए, ये फर्स्ट आवर ऑफ द 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक हैं, वो फ्रॉम मिडनाइट 12 टू द आफ्टरनून 12, यानी रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का जो पीरियड होता है वो ए एम कहलाया जाता है, ठीक है। एक रात के 12 बजे से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है, अपकमिंग 12 तक, जब सुबह हम उठ जाते हैं उसके बाद जब 12 बज जाते हैं उसमें जितने भी टाइम होगा, आप सुबह स्कूल आ रहे हो तो उसके आगे क्या लगाओ, ए एम, ठीक है, असेंबली हो रही है 8 AM, ये पी एम नहीं लिखेंगे, ठीक है। रात को हम सो रहे हैं 1 AM, अगर आँख खुल गई बीच में 2 बजे तो ए एम, ठीक है। रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का जो पीरियड होता है, दोपहर से पहले पहले का पीरियड कहलाया जाता है, ठीक है, ये क्या कहलाया जाएगा, ए एम। इसी तरह पी एम, पी एम क्या होता है, आफ्टरनून पीरियड, दोपहर के बाद का पीरियड, ठीक है, फॉरनून बिफोर, दोपहर से पहले का, आफ्टरनून दोपहर के बाद का, यानी कि द नेक्स्ट या सेकेंड 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक। घड़ी दो मरतबा क्लॉक घूमती है ना, निडल से आर एंड 2 मरतबा 12 बजाती है ना, तो यानी कि ये वाले जो घंटे होते हैं ना जो सिल्वर से मैंशन किया है, रात का वक्त जो बता रहा होता है, दोपहर के 12 बजे के बाद से जो टाइम बज रहा है, दोपहर के 12 बजे के बाद से देखें, 1 बजते 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11, ये सेकेंड हाफ हो गया क्लॉक का, ठीक है। सेकेंड 12 आवर्स जो होते हैं वो उनके साथ हम क्या लगाते हैं, पी एम, फ्रॉम 12 o'clock नून, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, टू द मिड नाइट ऑफ 12 o'clock, ठीक है, दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम कहलाता है पी एम। स्कूल से हमारी छुट्टी हुई है, ऑफ टाइम हुआ है, मैं 1:30 पे, तो हम 1:30 PM लिखेंगे, ठीक है, लेकिन रात को अगर हमारी आँख खुल रही है कभी 1:30 पे तो 1:30 AM, क्योंकि वो रात के 12 से दोपहर के 12 तक की बात हो रही है, लेकिन दोपहर के 12 बजे से लेके
रात के 12 बजे तक जो पीरियड है इसमें हम लंच ले रहे हैं, अपना डिनर ले रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ने जा रहे हैं, वो सारा हमारा क्या कहला जाता है पीएम। जबकि स्कूल टाइमिंग जो हमारे पास होती है, जो हम सो रहे होते हैं जिस पीरियड में, वो सब हमारा क्या कहला जाता है एएम। ये है एएम और पीएम का कॉन्सेप्ट। यानी कि अच्छा, वन मोर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट 12 o'clock नून एंड 12 o'clock मिडनाइट जो होती है, 12 बजे जो बजते हैं रात के और 12 बजे जो बजते हैं दिन के, वो एएम और पीएम नहीं लिखते उसको, बस हम सिंपल 12 o'clock नून 12 o'clock मिडनाइट। कभी कोई बोले आपको 12 बजे एएम है या पीएम है, आप नहीं बताएंगे, आप बोलेंगे 12 o'clock नून 12 o'clock मिडनाइट। ठीक है, अगर कोई बजे के 12 बजे आपको आपसे मिलेगा तो आप क्या ये पूछेंगे 12 o'clock नून पे मिलोगे या 12 o'clock मिडनाइट पे मिलोगे, ये नहीं बोलोगे कि 12 AM या 12 PM, ये रॉन्ग हो जाएगा, नून या मिडनाइट। अब आपने क्या करना है, एज इट इज ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में कैरी डाउन करनी है, क्लॉक बनानी है। इसी तरह एक सर्कल बनाएंगे, सेकंड सर्कल बनाएंगे, दो डिफरेंट कलर करेंगे, पोर्शंस मेंशन करेंगे इसी तरह ए एंड पीएम का, और इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, एएम एंड पीएम ये आपके आगे जाकर जब आप जैसे जैसे लाइफ कैरी ऑन करोगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो डू दिस वर्क इन वेरी नीट एंड क्लीन वे इन योर कॉपी। थैंक यू।